मुझसे बहुत बार कमेंट्स में कहा गया कि सर जो म्यूजिक वीडियोस के अंदर जो नियन स्क्रिबल इफेक्ट होता है वो इफेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो म्यूजिक वीडियोस के अंदर आप लोगों ने नियन स्क्रिबल इफेक्ट देखा होगा, जो एक्टर के इर्द गिर्द नियन लाइटें घूम रही होती हैं, ठीक है, आप लोग भी सेम उस तरह के इफेक्ट किस तरह से लगा सकते हो अपनी वीडियोज के अंदर। तो स्टार्ट की वीडियो बहुत मजेदार किस्म की वीडियो। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूंगी। यहाँ पर ये वीडियो की लेंथ हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, और आप लोग बिल्कुल फ्री हैं तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देख लो। अदरवाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो ना देखो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे और आप बाद में भूल जाओगे। तो ये वीडियो उस वक्त आप देखो जब आपके पास टाइम बिल्कुल फ्री हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा उनके लिंक्स मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर लो। उसके अलावा आप लोगों को दो मेन बातें बताता चलूँ कि यहाँ पर इस इफेक्ट को बनाने के लिए आप लोगों के पास मोबाइल फोन का होना लाजमी है। तो मोबाइल फोन के अंदर हम लोग आज के वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस मोबाइल फोन की तरफ होगा, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर ही हम लोग ये इफेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा फिल्मोरा के जरिए भी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं जरा अपने मोबाइल फोन की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल आप लोगों को देते चलूँ। यहाँ पर मेरी फिंगर के गिर्द जो नियन इफेक्ट घूम रहा है, ठीक है, मेरी नेक के गिर्द जो नियन इफेक्ट घूम रहा है, ये इफेक्ट आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। यही इफेक्ट आप लोगों ने म्यूजिक वीडियोज के अंदर भी देखा ही होगा। तो चलो फिर चलते हैं जरा अपने मोबाइल फोन की तरफ, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। ऑलरेडी तो हम लोग अपने मोबाइल फोन की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को दो एप्लीकेशन मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी, आप लोगों ने इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फ्लिपा क्लिप नाम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नाम स्क्रिबल दे देना है, ठीक है, जो भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम देना चाह रहे हो वो आप लोगों ने यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इसका कलर सेलेक्ट कर लेना, और कलर आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रखना है, ठीक है, और आप लोग यहां से इसका ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कलर सेलेक्ट करो और यहां पर आप लोग इसको ओके कर दो। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसका कैनवस साइज को आप लोग यहां पर 1080p पे रख दो और आप लोग इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप लोग इसका फ्रेम पर सेकंड, जो फ्रेम पर सेकंड है, आप लोग यहाँ पर आप लोग इसका फ्रेम पर सेकंड 25 पर रख लो, और उसके बाद आप लोग इसको ओके कर दो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन में क्लिक कर दो, ठीक है, और आप लोगों का प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों क्या करना है, ऊपर आप लोगों को 3 डॉट्स के बटन में क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आप लोगों ने एड अ वीडियो के बटन में क्लिक कर लेना है, और आप लोगों ने वो वीडियो यहाँ पर लिया नहीं है जिस वीडियो के ऊपर आप लोग ये इफेक्ट लगाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर वो अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग हम लोग इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम इसको एडिट करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। ऑलरेडी तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को फ्रेम बाय फ्रेम आपकी वीडियो नजर आ जाएगी, और आप लोगों ने इसको फ्रेम बाय फ्रेम आप लोगों ने इसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, स्क्रिबल इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ही पॉइंटर का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पॉइंटर के बटन में क्लिक कर लेना, और आप लोगों ने इसका पॉइंटर का साइज आप लोग जितना आप लोग ऊपर की तरफ करोगे उतना बड़ा होता जाएगा, जितना आप लोग इसको नीचे की तरफ करोगे उतना ये छोटा होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका साइज 1.20 mm रखूंगा, और इसका जो कलर है हम लोगों ने इसका कलर को आप लोगों ने इसको व्हाइट पे ले जाना है, ठीक है, और आप लोगों ने इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको फ्रेम बाय फ्रेम किस तरह से इसके ऊपर स्क्रिबल इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर को ऊपर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है, बल्कि हम लोग इसका ये जो साइज है हम लोग इसको मजीद छोटा कर लेते हैं जितना हमें ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर ये इफेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, और दूसरे फ्रेम के ऊपर हम लोग यहाँ पर आगे से चालू करते हैं, ठीक है, और तीसरे फ्रेम के ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह से बारी बारी करके हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फ्रेम्स के ऊपर स्क्रिबल इफेक्ट लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो लेयर के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप लोगों ने जो आपकी जो वीडियो लेयर है, ठीक है, आप लोगों ने इसको
हाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास ओनली ग्रीन स्क्रीन रह जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों को ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने मेक मूवी के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऑलरेडी तो यहाँ पर हमारी मूवी रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली सॉफ्टवेयर को बंद कर देना है और आप लोगों ने ऑल राइट मोशन एप्लीकेशन में आ जाना है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप लोगों को मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ आप लोगों ने यही सेटिंग रखनी है। और इसके बाद आप लोगों ने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वीडियो ले आनी है, ठीक है, जिस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने ये इफेक्ट लगाना है। तो वो वीडियो यहाँ पर हम लोग ले आए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक और वीडियो लेके आनी है, ठीक है, और यहाँ पर एक और वीडियो आप लोगों ने ग्रीन से ग्रीन वीडियो लेके आनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इफेक्ट्स में जाना है और इफेक्ट्स में ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्रोमा की यहाँ से आप लोगों ने ऐड इफेक्ट में क्रोमा की आप लोगों ने यहाँ से लगा लेना है। मैं इसका थ्रेशोल्ड जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल रिमूव हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसका फेदर को बिल्कुल कम कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको ओके कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने एक और इफेक्ट लगाना है। सिंपली आप लोग यहाँ पर लास्ट में जाओ और लास्ट में आप लोगों को एड्स का ऑप्शन मिलेगा। एड्स में आप लोगों ने ग्लो में जाना है और ग्लो में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ग्लो के ऊपर क्लिक कर लेना और आप लोगों ने इसका कलर यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक सो रेड ठीक रहेगा, तो यहाँ पर मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी हार्डनेस वगैरह को आप लोगों ने सेट कर लेना कि आप लोग इसका कितना हार्ड रखना चाहते हो, कितना इसका अल्फा रखना चाहते हो, कितना इसका रेडियस रखना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये सब करने के बाद आप लोग जैसे देखो हमारी वीडियो के ऊपर यहाँ पर ग्लो इफेक्ट लग चुका है, ठीक है, तो आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर हमारा ये ग्लो इफेक्ट कुछ ऐसा देखने में लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ ऐसे काम करती है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इसको क्लिक कर लेना और आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर। ऑलरेडी तो हमारी फुटेज यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। फुटेज को मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो हमारा ये इफेक्ट कैसा देखने में लगता है, ठीक है, तो आप लोग भी सेम इस तरह का इफेक्ट बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को सिंपली इन दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग भी ये इफेक्ट बना सकते हो। अब अगर आप लोग फिल्मोरा 9 के जरिए काम करना चाहते हो, सिंपली आप लोग अब क्या करो, अपनी क्लिप को अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आओ, ठीक है, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, अपनी क्लिप को यहाँ पर स्ट्रेच आउट कर लो और उसके बाद आप लोग लेयर 2 के ऊपर अपना वही स्क्रिबल इफेक्ट ले आओ, ठीक है, जो स्क्रिबल इफेक्ट आप लोगों ने फ्लिपा क्लिप की एप्लीकेशन से आप लोगों ने बनाया था। सिंपली स्क्रिबल इफेक्ट को अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आओ, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्रोमा की के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यहाँ पर इसकी पेंसिल पकड़ो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप लोग ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा यहाँ पर आप लोगों की ग्रीन स्क्रीन को ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोग इसकी एड्स की फैदर वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो, एड्स की थिकनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप लोगों को ठीक लगे आप लोग उतना यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँगी, अगर आप लोगों को यहाँ पर फिल्मोरा 9 के जरिए अगर आप लोग ये काम करते हो ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप लोग ग्लो इफेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, जिस तरह ग्लोइंग होती है ना, तो आप लोग वो ग्लोइंग नहीं कर सकते। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर सेम उसी तरह का इफेक्ट बना सकते हैं, उसी तरह की स्क्रिबलिंग इफेक्ट आप लोगों के वीडियो के ऊपर चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को ग्लो करवाना है तो आप लोगों को वही एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिस एप्लीकेशन का जिक्र मैंने आप लोगों से पहले कर लिया था। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो या नीचे करना तो कैसे लगे आप लोगों को वीडियो। उसके अलावा यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।